हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आर बालोज चैनल तो आज हम करेंगे प्लस वन का एक टॉपिक कैम कैम प्लांट्स तो सबसे पहले करेंगे कैम प्लांट्स होते क्या हैं ये हमें कहाँ पर मिलते हैं इसका बेस्ट फीचर क्या है और इसका साइकिल भी करेंगे आज क्लियर तो कैम की सबसे पहले फुल फॉर्म क्या है क्रेजुलेजियन एसिड मेटाबॉलिज्म ये हमें मिलते कहाँ पर है इसकी जो अक्रेंस है इसका जो हैबिटेट है वो क्या है जैरी कंडीशंस मीन हमें ये ड्राई कंडीशंस में मिलेंगे तो इसमें जो सीओटो की फिक्सेशन होती है वो कब होती है एट नाइट तो कैम प्लांट्स की जो फैमिली है वो क्या है क्रेजुलिजी फैमिली एंड इसकी जो एग्जाम्पल करेंगे वो क्या है ओपंछिया कैक्टस में जो है ओपंछिया तो आप अपंछिया का स्पेसिमेन आपने अपनी बायोलॉजी लैब में भी देखा होगा उसके बाद कैम प्लांट्स होते क्या हैं सो ऑल दोज प्लांट्स विच कैरी आउट द क्रेजुलेजियन एसिड मेटाबोलिज्म आर रेफर टू एज कैम प्लांट्स वो वाले प्लांट्स जिसमें क्रेजुलेजियन एसिड मेटाबोलिज़म होता है वो हम मतलब वो प्लांट्स को क्या बोलेंगे कैम प्लांट्स बोलेंगे तो नेक्स्ट वन इज़ इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर है इस प्लांट्स का वो क्या है सो दस टोमेटो रिमेन ओपन एट नाइट एंड दिय स्टोमेटा क्लोज ट्यूरिंग द डे टाइम हमने पढ़ा है कि इसका जो स्टोमेटा बाकी प्लांट्स का जो हमने पढ़ा है कि उनमें जो स्टोमेटा होता है जो लीफ में होता है ऑन द लोअर एपिडर्मि ऑफ लीफ तो जो स्टोमेटा होता है वो डे टाइम ओपन होता है और रात को क्लोज होता है लेकिन इसमें ऑपोजिट है इसके जो स्टोमेटा होते हैं वो कब ओपन होते हैं नाइट को और क्लोज होते हैं कब होते हैं डे टाइम होते हैं और उसके बाद इसमें हम करेंगे एसिडिफिकेशन एंड डी सो द मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ कैम इन्वॉल्व एसिडिफिकेशन विच अकर एट नाइट एंड डीएसटिफकेशन विच अकर ड्यूरिंग द डे टाइम सो हेयर वी विल डू द साइकिल ऑफ द कैम प्लांट हेयर यू कैन सी तो हमने देखा है कि रात को जो है स्टोमेटा ओपन है और नाइट को स्टोमेटा टोमेटा क्लोज हैं तो इसकी जो स्टार्टिंग होगी वो यहाँ से होगी फॉसफिनोल पार्विक एसिड डार्क को क्या होता है स्टोमेटा टोमेटा यहाँ पर हमने ओपन शो किए हुए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ फॉसफिनोल पार्विक एसिड तो सी टू आया उसके साथ बाइंड किया रिएक्ट किया तो क्या बनाया ऑक्जेलो एसिड ऑक्जैलो एसिड से क्या बना मैलिक एसिड जो मैलिक एसिड बना वो स्टोर कहाँ पर हुआ वैक्यूल में तो मैलिक एसिड ठीक है उसके उसके बाद क्या बनेगा पार्विक एसिड और क्या होगी डी डिकार्बॉक्सिलेशन मीन्स कि सी टू रिलीज होगा और सी टू को फिक्स होने के लिए कौन से साइकिल में एंटर करना पड़ेगा कैलविन साइकिल में मीन्स सी थ्री साइकिल सो उसके बाद पार्विक एसिड से फिर दोबारा क्या बनेगा फॉस्फिनोल पारविक एसिड सो हियर यू कैन सी डार्क लाइट एस्टिफिकेशन डी एस्टिफिकेशन एस्टिफिकेशन अक्कर डार्क एंड डीएसटिकेशन कब होगी लाइट कंडीशन में होगी क्लियर तो स्टोमेटा जो है डार्क को ओपन हो रहा है और लाइट को क्या हो रहा है क्लोज हो रहा है क्लियर तो ये आप इतना सा साइकिल करोगे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी मच ईजी